आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज टू टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा वो हमको पता लगाना है। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर तो कॉन्स्टेंट होता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, और मास कॉन्स्टेंट है, तो अगर मास कॉन्स्टेंट है तो मोल्स भी कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। सो ये तीनों टर्म कॉन्स्टेंट है, खाली प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो इसको अपन इस क्वेश्चन के लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये तीनों टर्म कॉन्स्टेंट है इस क्वेश्चन में। सो अपन को दिया हुआ है कि वेन द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास इज इंक्रीज टू टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम। सो पी वन वी वन को अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी टू वी टू। अब अपन को दिया हुआ है कि प्रेशर इंक्रीज टू टाइम्स, ठीक है, यानी कि अपन को क्या दिया हुआ है कि पी टू जो है वो ट्वाइस ऑफ पी वन है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पी वन वी वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी वन वी टू। तो वी टू की वैल्यू क्या आ गई, वी वन बाय टू, यानी कि प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा। सो इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो इसका आंसर हाफ है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।